ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कर्नाटक के सियासत की, कर्नाटक में उथल पथल की और कर्नाटक में नई सरकार के गठन की भी बात करेंगे। कर्नाटक में चुनावों के दौरान कांग्रेस ने 5 गारंटी का वादा अपनी ओर से जोर शोर से किया था और कहा गया था कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन राज्य के नए नवेले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अब इसे कुछ शर्तों के साथ लागू करने की बात कही है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कुछ विपक्षी नेताओं के न आने पर विपक्षी एकता को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। कर्नाटक में विधानसभा नतीजों के सामने आने के 7 दिन बाद नई सरकार का गठन आखिरकार हो गया। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने बेंगलुरु के कांटारावा स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जिन अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई उसमें डॉक्टर जी परमेश्वर, के एच मुनियप्पा, के जे जॉर्ज, एम बी पाटिल, सतीश जारकिहोली, प्रियांक खरगे, रामलीगा रेड्डी, बी जेड जमीर अहमद खान शामिल रहे। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार परिषद के मंत्रियों के साथ बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य से जुड़े मामलों का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में नई सरकार के गठन पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सिद्धरमैया जी के मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने पर बधाई, सार्थक कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, अभिनेता कमल हसन भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेला, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्खू भी समारोह में शामिल हुए। हालांकि कई विपक्षी नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में ना पहुंच पाना चर्चा का विषय बना। विशेष तौर पर बसपा प्रमुख मायावती, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शपथ समारोह में नहीं पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कई सारे सवाल खड़ा करता है ये जो शपथ ग्रहण समारोह रहा है और नई सरकार का गठन तो जरूर हो गया है कर्नाटक में, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। ये देखने की बात है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कुछ सियासत है और इस पर बात करेंगे। हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ रही हैं आयशा खानम और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार भी इस विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और आयशा, आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो जिस तरह से कहा गया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में 5 गारंटी को जारी किया जाएगा और बड़े जोर शोर से सारे नेताओं ने इसकी बात कही थी, लेकिन अब कुछ शर्तों की बात कही जा रही है, किस तरह से इसको देख रही हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है? जी हाँ निखिल, देखिए सबकी यही उम्मीद थी कि जैसे शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा और कैबिनेट बैठक खत्म होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हो जाएगा कि सबको मुफ्त बिजली मिलेगी 200 यूनिट और जो युवा निधि की योजना है, जो फ्री बस पासेस है, तमाम चीजें इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने यही वादा किया था प्रचार के दौरान। लेकिन शायद कर्नाटक की जनता वो कंडीशंस अप्लाइड वाला जो क्लॉज होता है वो शायद नहीं जाना, तो ये अप्लाइड की बात अब सामने आई। सिद्धरमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया कि अब अगले कैबिनेट बैठक में वो इसका पूरा लेखा जोखा लेके आएंगे। और एक तो उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें लागू तो कर दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने अब केंद्र से पैसा मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि जीएसटी का शेयर जो केंद्र सरकार से आना है 5,000 करोड़ से ज्यादा, ये शेयर अगर उन्हें मिल जाए तो ये तमाम जो गारंटीज है उसे वो आसानी से लागू कर सकते हैं। देखिए कितना दिलचस्प एक एनालिसिस लेकर सिद्धरमैया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे कि अब इनकी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार उठाए। तो दूसरी बात यह है कि महिलाओं को फ्री बस पास की बात तो कही थी कांग्रेस सरकार ने, अब इसमें भी कंडीशन अप्लाइड है। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ कर्नाटक की महिलाओं के लिए फ्री बस पास होंगे, यानी जो महिलाएं बाहर से आ रही है, जो तमिलनाडु की छात्राएं होंगी, जो हैदराबाद से आई है पढ़ाई करने के लिए, उन्हें कोई फ्री बस पासेस नहीं मिलती। ये कैसे मतलब कैसे तय होगा कि ये किसको फ्री पास मिलेगा, कौन कर्नाटक से है? तो ये तमाम चीजें जो है अभी डिस्कशन का विषय है। और सिद्धरमैया ने कहा कि अगली कैबिनेट की बैठक में वो इस पूरा लेखा जोखा लेकर इसका ऐलान करेंगे।
जी 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 नहीं निराशा जरूर भी, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है निखिल कि कई ऑनलाइन मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कुछ दूर दराज से गांव में लोगों ने ये कह दिया है कि आरंभ है कि सरकार आ गई है, हम बिजली का बिल पे नहीं करेंगे। तो ये तमाम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि वो उन्हें वादा किया गया है कि अब बिल पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है ग्राउंड पर लोगों ने यकीन किया है, लेकिन इसमें और कुछ देरी होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इस तरह के वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं जहां पर गांव के लोग कह रहे हैं कि हम बिजली का बिल पे नहीं करेंगे और अब नई सरकार आ गई है वो उनको माफ करेगी। लेकिन इस बीच में हेमंत जी ये समझना चाहेंगे, जो कंडीशंस अप्लाई वाला क्लॉज है और उसके साथ ही साथ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और पंजाब की सरकार भी इस तरह से करते रहे हैं पहले भी, शायद वही ट्रैक कांग्रेस ने अपनाया है कि वादा आप खुद करेंगे, अपने रिसोर्सेस की बात करेंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े वादे को पूरा करने के लिए आपके पास कोई जो वित्तीय क्षमता है वो होती नहीं है। और फिर जिसको कहते हैं कि बॉल ट्रांसफर करने के लिए आप कहते हैं केंद्र सरकार पैसा दे, दरअसल केंद्र सरकार ने तो वादा किया नहीं था। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं आयशा जी से सहमत हूं, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा था कि वो देंगे ये देंगे सब सब पांच गारंटियां देंगे जी, तो कंडीशंस की बात नहीं की थी, ठीक है। अब जीतने के बाद आज शपथ ग्रहण के बाद ये हो रहे हैं कि ये बोले जा रहे हैं कि ये कंडीशंस अपने होगा, ये कंडीशन अपने इनको नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ इनको मिलेगा। ये कंडीशंस पहले नहीं थी, नंबर वन जी। नंबर टू, ये नहीं कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि ये सब गारंटी को लागू करने के लिए केंद्र से पैसे मांगना है, वो मांगकर हम इसको गारंटी का ये इंप्लीमेंट करेंगे, ये नहीं कहा था कांग्रेस पार्टी ने जी। ये तो जनता के साथ धोखा हुआ ना। मैं इस शब्द को मैं उपयोग करने वाला था, पीपल ऑफ कर्नाटक। आज मैं गया था इधर उधर पूछने के लिए। लोगों का कहना है कि The first cabinet meeting of the for new Congress government has played a fraud on the people of Karnataka. जी. First by announcing guarantee. जी. And now they say there are conditions apply. इसे क्या हुआ? जी ये offer आते हैं ना, बड़े-बड़े showroom से offer आते हैं ना. जी. उसमें उस offer के form के बिल्कुल नीचे छोटी फॉन्ट में एक लिखा जाता है कि कंडीशंस अप्लाई। जी 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 जी, वो लोग ये नहीं देखते हैं, सिर्फ ऑफर को देखते हैं और चले जाते हैं। तो द पीपल ऑफ बैंगलोर सिटी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेलिंग दैट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कैबिनेट मीटिंग ऑफ द न्यू कांग्रेस गवर्नमेंट हैज प्लेड फ्रॉड। क्योंकि इसलिए एक महत्वपूर्ण बात है आयशा जी, आप भी जानते हैं जी जी, आज कैबिनेट मीटिंग के बाद पांच गवर्नमेंट ऑर्डर निकल गए, अध्यादेश, मतलब अध्यादेश नहीं, गवर्नमेंट ऑर्डर पास किए हैं। उसमें क्या है, दिस कैबिनेट मीटिंग, आई एम टेलिंग इन इंग्लिश, वो कन्नड़ में है, दिस कैबिनेट मीटिंग अप्रूव्स गृहलक्ष्मी योजना इन प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल, इन कोर्ट्स एंड इन बोर्ड लेटर्स। तात्विक दृष्टिकोण से हम मानते हैं, तात्विक दृष्टिकोण से हम मानते हैं। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तात्विक दृष्टिकोण से? अरे अगर इंप्लीमेंट करनी है तो इंप्लीमेंट करो, अगर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो नहीं मत करो। ये तात्विक दृष्टिकोण से हम उसको, अच्छा ये सब जनता को गुमराह करने के लिए एक कोशिश है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जनता को गुमराह करने के लिए। अध्यादेश जारी कर दिया, पहले कैबिनेट मीटिंग में अध्यादेश, बहुत सारी बातें हैं। दरअसल अगर इसको देखा जाए, जिस तरह से आपने कहा कि सैद्धांतिक सहमति की बात कही गई है, जब आप चुनाव में आए और आपने घोषणा कर दी तो सैद्धांतिक बात तो उसी दिन पूरी हो गई थी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि अगर ये जनता को गुमराह किया जा रहा है, दे हैव प्लेड फ्रॉड ऑन द पीपल ऑफ कर्नाटका, अगर ये कहा जा रहा है तो ये गलत किसी तरह से नहीं है। और जिस तरह से आयशा खानम ने कहा कि कंडीशंस अप्लाई जो लिखा हुआ है वो शायद कर्नाटक की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही होगी। फिलहाल हमारे पास समय आज के लिए बस इतना ही। हेमंत जी आपका और आयशा आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और नमस्कार। नमस्कार, और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।